किताबुल फितन चैप्टर में मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फितनों का ऐसा दौर दौरेगा कि कई इंसान ऐसे भी होंगे वो कब्र के पास खड़े होके कहेंगे कि काश इस मुर्दे की जगह आज हम कब्र में होते तो हम इन फितनों से ना गुजरते। और उन फितनों में जो है वो इंसान सुबह के वक्त मोमिन उठेगा, शाम के वक्त काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह के वक्त वो काफिर उठेगा। और उन फितनों में जो है वो चलने वाले से जो यानी जो रुकने वाला है वो बेहतर होगा, और उससे भी जो बैठने वाला है वो बेहतर होगा, यानी जो जितना अवॉइड करेगा। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं कि ईमान बचाना ऐसे होगा जैसा कि हथेली पे अंगारा रखना। हथेली पे अंगारा रखते हैं तो हथेली जलती है, और अगर उसको यूं करके झटक देते हैं तो अंगारा नीचे गिर के बुझ जाएगा, यानी ईमान ख़त्म हो जाएगा। यानी ईमान की हिफाजत इतना मुश्किल है जितना उस अंगारे को, यानी जिस तरह अंगारा रखना हथेली पे तकलीफ दे, इस तरह ईमान रखना तकलीफ दे होगा। लेकिन हम निकाल भी नहीं सकते, ईमान ज़रूरत है। तो इन हदीसों की तशरीहात मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ की हैं। बाद लोग कहते हैं नहीं, सही मुस्लिम में हदीस है 2246 के बंदे के कुफ्र और शिर्क और इस्लाम के दरमियान फ़र्क नमाज है, तो वो तो इस पर फिट नहीं होती, इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो सुबह भी नहीं पढ़ रहा था, शाम को भी नहीं पढ़ रहा। ऐसा तो नहीं है कि शाम को बेनमाजी सोता है और सुबह उठ के बेनमाजी हो जाता है, शाम को भी बेनमाजी सोता है, सुबह उठ के भी बेनमाजी होता है, इल्ला ये कि कहीं नमाज शुरू करते उस पर भी फिट नहीं होती। ये कुर्ब क़यामत के बारे में ज़रूर फिट होती है कि जब ईमान की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी, दज्जाल आ जाएगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, लेकिन काफिर इकट्ठा नहीं, काफ अलिफ फा रा लिखा होगा, लोग उसकी भी तावील ही कर लेंगे, तो मोमिन ही होंगे जो उस पर भी ईमान ले आएंगे और कुफर हो इख्तियार कर लेंगे, और कई मोमिन हैं जिनको अल्लाह ताला उनके फितने से बचा लेगा। सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स सूरह अलकाफ की पहली 10 आयात याद कर ले वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। ये रोजाना एक दफा पढ़ लिया करें तो याद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब से लेके रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यिक लना मिन अम्रिना रशदा, वो फितना बहुत बड़ा फितना होगा। सही बुखारी मुस्लिम हदीस है कि हजरत आदम से लेके क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आया, और कोई नबी ऐसा नहीं जो अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह ना करके गया हो। मैंने दज्जाल के ऊपर पूरा लेक्चर दिया है, मसला 133, सारी दज्जाल से रिलेटेड अहदीस आलमोस्ट सवाए चांद एक के बुखारी मुस्लिम से मैंने कवर किए। तो उस ज़माने के लिए कि वो ज़ाहिर है दज्जाल पे लोग ईमान ले आएंगे, अल्लाह ताला उसको ऐसी यानी सलाहियत देगा, लेकिन ज़ाहिर है वो आजमाइश के लिए होगी। ज़मीन से सब्ज़ा उगाएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, एक मुमिन खड़ा हो जाएगा कोई इल्मी किताबी किस्म का, मैं साबित करूँगा इल्मी किताबी होगा। वो कहेगा तू दज्जाल है, वो कहेगा मैं रब हूँ मुझे रब मानो, वो कहेगा मेरा रब तो काना नहीं तू काना है, वो कहेगा देखो मैं सब्ज़ा उगा रहा हूँ, मैं बारिश बरसा रहा हूँ, ये अल्लाह की क्वालिटीज़ हैं, तो मुझे रब मानो, वो कहेगा नहीं मुझे मेरे नबी की हदीस पहुँची है कि तू दज्जाल है। तो ये कौन होगा? कारनामे और करतब देख के मुंदे हो जाने वाले, और इल्मी किताबी हदीस तो इल्मी किताबी बात है ना, वो देख के भी नहीं मानेगा, वो कहेगा कि अच्छा नबी साहब फरमाते हैं उसके साथ आग भी होगी और जन्नत भी होगी, वो आग दरअसल जन्नत होगी और जो जन्नत है वो असल में दोजख होगी, अपने मानने वालों को वो जन्नत में फेंक रहा होगा, असल में दोजख में जा रहे होंगे, और दूसरों को वो आग में फेंक रहा होगा, वो जन्नत में जा रहे होंगे, दुनिया से तो खैर चले जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक मोमिन खड़ा होगा और वो कहेगा तू दज्जाल है, वो कहेगा मैं इतने करतब कर रहा हूँ मुझे मानो, कहेगा मैं नहीं मानता मुझे नबी की हदीस पहुँची है, तो वो भरे मजमे में उसको कत्ल करके उसके सर पे आरा चला के उसके जिस्म के दो टुकड़े कर देगा, एक टुकड़ा इस तरफ और एक इस तरफ, और फिर उसके दरमियान चलेगा ये इंश्योर करने के लिए कि वाकई मैंने दो टुकड़े किए हैं, नजर का धोखा नहीं है। तो सर फिर सारे बुजुर्गों को मानने वाले तो कहेंगे सर तुहाडे जात फिर कोई नहीं, आज तो शेख अब्दुल कादर जिलानी तुसी हो, हालांकि वो भी झूठ है, उन्होंने भी कहा मुर्दा जिंदा किया। फिर वो दो टुकड़ों को जोड़ेगा और दोबारा उस बंदे को जिंदा कर लेगा और कहेगा हाँ अब तो मैंने तुझे मार के जिंदा किया, अब मुझे खुदा मान, तो कहेगा नहीं तू दज्जाल है, तेरी इस बात ने मेरे ईमान में इजाफा किया है,
क्योंकि मैंने नबी इस्लाम से सुना था, मेरे तक ये बात पहुंची थी, इल्मी किताबी बात, ये किताबी बात, बाबे नहीं किताबें, कि वो एक मोमिन को कत्ल करके जिंदा कर लेगा। और नबी इस्लाम के अल्फाज हैं कि वो मोमिन उस वक्त रूह अर्ज का सबसे बेहतरीन शहीद होगा। अच्छा, उसको जिंदा करेगा, फिर दोबारा कत्ल करना है, फिर वो कादिर नहीं होगा, उसको कत्ल करना चाहेगा लेकिन अल्लाह ताला उसको बचा लेगा। तो इल्मी किताबी हो गया ना। तो ये उस जमाने की बात है कि लोग वो सारे करतब देख के ही मान लेंगे। या एक इसकी तावील मैंने जो सोची है ना, वो ये है, हमारे इस पुरफितन दौर में जिस तकलीफ से मुसलमान गुजर रहे हैं, खुसूसन एंटी स्टेट एक्टिविटीज और मुसलमानों का मुसलमानों को कत्ल करना लसानियत की बुनियाद पे, पॉलिटिक्स की बुनियाद पे, या मजहबी इख्तलाफात फिरका वाराना की बुनियाद पे, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है कि एक शख्स सुबह के वक्त इस हाल में उठा है कि वो अपने मुसलमान भाई के कत्ल को हराम समझता है, लेकिन कोई मौलवी कोई ज्यादी तंजीम उसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग करती है कि शाम के वक्त वो किसी मस्जिद पे इमाम बारगाह पे बम फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो शख्स किसी मुसलमान को मारने के लिए आमादा हो जाए और उस मारने को हलाल समझे बल्कि सवाब समझे तो वो क्या है? काफिर। क्योंकि मुसलमान का कत्ले ना हक हराम है, और हराम को हलाल समझने वाला क्या है? काफिर। तो मैंने ये तावील की है कि सुबह के वक्त वो मोमिन उठेगा, शाम के वक्त ब्रेन वॉशिंग होके वो काफिर हो चुका होगा। शाम को मोमिन था, सुबह के वक्त रात के वक्त वो कहीं उसको ब्रेन वॉशिंग की उन्होंने, सुबह के वक्त वो किसी पे मुसलमान के कत्ल पे आमादा हो गया और कत्ल जैसे बड़े गुनाह को हलाल समझ लिया, काफिर हो गया। सुन, नबी दाऊद में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला या तो शिर्क को माफ नहीं करेगा या किसी मुमिन को नाहक कत्ल किया गया उस गुनाह को माफ नहीं करेगा, बाकी हर गुनाह माफ कर देगा। लिहाजा ये जो कुरान की आयत है ना, आयत नंबर 48 और 116 सूरह निसा की, इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा हर गुनाह जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा, मगर जिसके लिए चाहेगा। तो इसमें इशारा मिलता है कि शिर्क के अलावा भी कोई ऐसे गुनाह हैं जो किसी के लिए माफ नहीं होंगे, और वो नबी इस्लाम ने फरमा दिया कत्ले नाहक है, क्योंकि कत्ले नाहक कुफर है। आप मोमिन के कत्ल को हलाल समझे हुए, सूरह निसा में भी है, मेरा मसला 28 पूरा रिकॉर्डेड है कि जिसने जिस किसी मोमिन को नाहक कत्ल किया उसकी जजा हमेशा के लिए दोजख है, हमेशा के लिए, क्योंकि उसने हलाल समझ लिया ना उसको, हराम को हलाल। एक बंदा जानी है, गुनहगार है, लेकिन एक जना को कहता है मैं हलाल समझता हूं, वो काफिर है। किसी भी शरीयत की हराम को हलाल समझना, हराम को हराम समझते हुए करना गुनाह है, हराम को हलाल समझते हुए करना कुफर है। तो बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो ये भी पुरफितन दौर में हो सकता है। इसको सपोर्टिव वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया क्यामत के करीब हर्ज आम हो जाएगा। सहाबा ने कहा हर्ज क्या है? तो फरमाया कि कत्ल, खून रेजी। कातिल को नहीं पता होगा कि वो क्यों मार रहा है, और मकतूल को नहीं पता होगा कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। सर, जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हैं या इमाम बारगाह में गए हैं या किसी जलसे जुलूस में गए हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि हमें क्यों मारा जा रहा है, और जो मारने वाला है उसको भी नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूं, उसकी भी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। तो मेरे ख्याल में कि ये हदीस जो क़ुर्बे क़यामत में सुबह मोमिन और शाम को काफिर, वो इस तरह के इवेंट्स के ऊपर फिट बैठती है। लिहाजा कोई अगर इस चुंगल में फंसा हुआ है तो वो अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करे। 2008-09 की बात है, मैं एक मस्जिद में था तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला, वो तो मुझे बताने लगा, वो कहता है मैंने तो बाकायदा खुदकुश यानी जैकेट भी पहन ली थी, पूरा इरादा कर लिया था। ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब ये बहुत चीज़ें आम थी, यानी ये ज़रब अज़ब से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो फिर कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने हदायत दी है और चीज़ें मुझे समझ आई हैं, लेकिन उस वक्त तो कहता है मेरी मत मारी गई थी, तो मुझे कहीं पर भी फेंकते तो मैंने काम कर लेना था। तो ये जनाब ब्रेन वॉशिंग बड़ी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला मुसलमानों को मुसलमानों के शर से पहले नंबर पर बचाए और काफरों के शर से दूसरे नंबर पर बचाए, क्योंकि मुसलमान तो आपको सवाब समझ के कत्ल करेंगे, काफर तो दुश्मनी में करेंगे, उनका तो चांस है कभी आपको माफ कर दें, लेकिन जो सवाब समझ के आपको कत्ल कर रहा है ना,
वो तो इंशाल्लाह जब तक वो अपनी जन्नत पक्की करवा के आपको आपको जन्नत में भेज के अपनी जन्नत पक्की नहीं करवाता ना, उस वक्त तक उसको सुकून नहीं आना। ठीक हो गया।